डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस पे है। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब्स का सही इस्तेमाल सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे? वेल, इस टेंस में हम हैड और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। गो वेंट गॉन में गॉन इस्तेमाल करते हैं। राइट रोट रिटर्न, रिटर्न इसमें थर्ड फॉर्म है। हार्वेस्ट हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड में थर्ड फॉर्म हार्वेस्टेड हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फार्मर्स हैड हार्वेस्टेड द क्रॉप्स। इस एग्जाम्पल में हैड इस्तेमाल हुआ और हैड के बाद हार्वेस्ट की थर्ड फॉर्म हार्वेस्टेड इस्तेमाल हुई है। द चिल्ड्रन हैड डन द होमवर्क। इसमें हैड के बाद डू की थर्ड फॉर्म डन इस्तेमाल हुई है। द प्लेन हैड लेफ्ट फॉर कराची। लेफ्ट लीव की थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, द पोएट हैड कंप्लीटेड हिज बुक। तो हैड है और उसके बाद कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है। द टीचर हैड डिलीवर्ड हिज लेक्चर। हैड के बाद डिलीवर्ड थर्ड फॉर्म है। द ट्रेवलर्स हैड रीच्ड देयर डेस्टिनेशन। हैड के बाद रीच जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अगर हम देखें इन सारे एग्जाम्पल्स में ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और चीज इसमें कॉमन है, वो क्या है? वो ये है कि इन सब सेंटेंसेस में एक्शन कंप्लीट हो चुका था। इन द पास्ट वर्क जो है कंप्लीट हो चुका था, एक्शन कंप्लीट हो चुका था, एक्टिविटी खत्म हो चुकी थी। द फार्मर्स हैड हार्वेस्टेड द क्रॉप्स। फार्मर्स ने अपनी फसलें काट ली थी, काट नहीं रहे थे, दे हैड हार्वेस्टेड। द चिल्ड्रन हैड डन द होमवर्क। उनका भी होमवर्क कंप्लीट हो चुका था, दे हैड डन द होमवर्क। They were not doing the homework. कर नहीं रहे थे, कर चुके थे। The plane had left for Karachi. The plane had left. It had gone. It was not leaving. The poet had completed his book. The book was over. The book was completed. Poet किताब लिख नहीं रहा था बल्कि लिख चुका था, complete कर चुका था। The teacher had delivered his lecture. Teacher का lecture खत्म हो चुका था, he had delivered it. He was not delivering it. The travelers had reached their destination. तो travelers क्या थे? They had reached. They were not on the way. They were not going. They had reached. तो कंक्लूजन क्या होगा कि इन के पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्शन कंप्लीट हो चुका था, पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुका था, काम मुकम्मल हो चुका था, एक्टिविटी हैड कम टू एन एंड, एक्टिविटी खत्म हो गई थी। इसका यूज देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हम ये दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक्शन कंप्लीट हो चुका था,
एक दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले, एक्शन कंप्लीट हो चुका था, एक दूसरा काम शुरू होने से पहले असल काम मुकम्मल हो चुका था, एक दूसरी एक्टिविटी शुरू होने से पहले रियल एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी थी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन। तो व्हाट इज द मेन एक्शन? द ट्रेन हैड लेफ्ट, जो मेन एक्शन होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा और वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया जाएगा। जो दूसरा एक्शन शुरू हो रहा होगा, पास्ट में जो दूसरा एक्शन शुरू होगा उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। दूसरे शुरू होते हुए एक्शन के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। मेन एक्शन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो ये मेन एक्शन है। द ट्रेन हैड लेफ्ट जा चुकी थी, तो एक्शन कंप्लीट हो चुका था और उसके लिए हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज की है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किए। व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन, ये न्यू एक्शन शुरू हुआ है पास्ट में, उसके लिए हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किए, रीच्ड इस्तेमाल किए, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड एग्जांपल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो मेन एक्शन द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, एक्शन कंप्लीट हो चुका था बिफोर द डॉक्टर केम। तो डॉक्टर का आना जो है अनदर एक्शन है जो उस वक्त शुरू हुआ व्हेन द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड। ओके, तो व्हेन द टीचर केम द स्टूडेंट्स हैड गैदर्ड इन द क्लास। तो मेन एक्शन इसमें क्या है? द स्टूडेंट्स हैड गैदर्ड, तो यहाँ ये द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इन द क्लास, जब टीचर पहुँचते हैं द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी गैदर्ड। ठीक है, तो पास्ट की बात हो रही है तो हम हैड गैदर्ड यूज करेंगे। तो मेन एक्शन कंप्लीट हो चुका था, स्टूडेंट्स गैदर हो चुके थे व्हेन द टीचर केम। ओके, चूंकि व्हेन द टीचर केम न्यू एक्शन है उसके लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज किए। नेक्स्ट एग्जांपल, द आर्मी हैड कैप्चर्ड द टेररिस्ट्स बिफोर दे कुड एक्सप्लोड द बॉम्ब। तो मेन एक्शन क्या है कि आर्मी ने टेररिस्ट्स को अरेस्ट कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो ये मेन एक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज किए। जो नया एक्शन शुरू हो रहा है, अनदर एक्शन शुरू हो रहा है, वो क्या है? बिफोर दे कुड एक्सप्लोर द बॉम्ब। ठीक है, तो उसके शुरू होने से पहले द आर्मी हैड कैप्चर्ड द टेररिस्ट्स। ओके, अल्लामा इकबाल हैड रिटन अ लॉट ऑफ पोएम्स बिफोर ही टर्न्ड 30। तो दो चीजें हैं। नंबर वन, अल्लामा इकबाल हैड रिटन अ लॉट ऑफ पोएम्स, ये मेन एक्शन है उस, और ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था इसलिए हमने उस इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किए, इसलिए हमने हैड प्लस रिटन यूज किया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किए। बिफोर ही टर्न 30 क्या है? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और वो हमने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ अनदर एक्शन शुरू हो रहा था। उससे पहले अल्लामा इकबाल ने अपनी बहुत सारी पोएम्स लिख ली थी। बाबर आजम हैड मेड द सेंचुरी बिफोर ही वॉज कॉट बिहाइंड द विकेट। तो आउट होने से पहले, बिफोर ही वॉज कॉट बिहाइंड, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट
का पैसिव वॉइस है वाज गॉट, वाज प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये न्यू एक्शन है जिससे पहले बाबर आजम ने सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी, हैड मेड द सेंचुरी बिफोर ही वाज कॉट बिहाइंड। एक न्यू एक्शन शुरू होने से पहले, आउट होने से पहले ही हैड मेड द सेंचुरी। इन सारे एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि मेन एक्शन के लिए हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किए, जबकि न्यू एक्शन के लिए, अनदर एक्शन के लिए जिससे पहले वो मेन एक्शन, जिससे पहले वो मेन एक्शन कंप्लीट हो गया, उस न्यू और अदर एक्शन के लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज किए और उसमें हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किए। और जहां पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में इस्तेमाल हुआ है, वहां हमने वाज और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किए। लास्ट एग्जांपल में वाज कॉट है जो कि पैसिव, इसलिए हमने इसमें वाज और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किए। ओके, अब हम इसका एक और इस्तेमाल देखते हैं। टू शो दैट एन एक्टिविटी वाज कंप्लीटेड बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। तो यहां भी एक एक्शन, एक एक्टिविटी, एक काम खत्म हो चुका था पास्ट में किसी मखसूस वक्त से पहले, किसी सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले ये एक्टिविटी, ये एक्शन, ये वर्क कंप्लीट हो चुका था। एग्जांपल्स देखते हैं। इंग्लैंड हैड वन नो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप बिफोर 2019। तो इसमें ये नेगेटिव है, तो क्या बताया गया कि बिफोर 2019 इस पर्टिकुलर टाइम से पहले, इस पर्टिकुलर ईयर से पहले इंग्लैंड ने, इंग्लैंड हैड वन नो क्रिकेट वर्ल्ड कप व्हेन, बिफोर 2019। सेकंड एग्जांपल, पाकिस्तान हैड मेड ग्रेट सक्सेस बाय 1965। तो यहां भी ईयर बताया गया 1965, उससे पहले पाकिस्तान ने क्या किया, हैड मेड ग्रेट सक्सेस, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी, एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था, पाकिस्तान पहले ही अजीम तरक्की कर चुका था, 1965 से पहले पाकिस्तान हैड मेड ग्रेट सक्सेस। नेक्स्ट, The birds had made their nests before winter came. तो winter के आने से पहले the birds had made their nests. ठीक है, they had made their nests. तो वो अपने घोंसले बना चुके थे, अपना ये action complete कर चुके थे before winter came. Next है, all the guests had left by 10 p.m. तो 10 p.m. तक all the guests had left, उनका जाना complete हो चुका था, no guest was left behind. Last, the farmers had reached home before sunset. Sunset, सूरज ग़ुरूब होना, तो उससे पहले, sunset से पहले the farmers had reached home. No one was on his way. They had reached home. ठीक है, their action was complete, ठीक है, activity complete हो चुकी थी, action complete हो चुका था, तब इस particular time से पहले, 2019 से पहले, England had won no cricket world cup, Pakistan had made success before 1965, birds had made their nests before winter came, the guests had gone before 10 p.m. and the farmers had reached their homes when before sunset. Past perfect tense ke negative sentences banane ke liye
हम हैड के बाद और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे, हैड गॉन, हैड नॉट गॉन हो जाएगा, हैड लेफ्ट, हैड नॉट लेफ्ट हो जाएगा, हैड कॉट, हैड नॉट कॉट हो जाएगा, हैड नॉट हैड स्टॉप्ड, हैड नॉट स्टॉप्ड में चेंज हो जाएगा, और हैड विदर्ड, हैड नॉट विदर्ड में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द किड्स हैड नॉट गॉन टू द स्कूल, एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस होता तो द किड्स हैड गॉन टू द स्कूल। नेक्स्ट, एधी हैड नॉट लेफ्ट एनी वर्ल्डली पोजेशंस बिहाइंड व्हेन ही डाइड। तो हैड के बाद नॉट आ गया, लेफ्ट यानी थर्ड फॉर्म से पहले नॉट आ गया, तो एधी हैड नॉट लेफ्ट एनी वर्ल्डली पोजेशंस बिहाइंड, पोजेशंस मलकियत जायदाद। सो नेगेटिव बनाने के लिए हमने हैड के बाद और थर्ड फॉर्म से पहले नॉट लगा दिया। नेक्स्ट, द पुलिस हैड नॉट कॉट द थीफ, तो यहाँ भी हैड के बाद नॉट और कॉट यानी थर्ड फॉर्म से पहले नॉट लगा दिया। द गर्ल्स हैड नॉट स्टॉप्ड स्ट्रगलिंग, तो हैड के बाद और स्टॉप्ड से पहले, स्टॉप्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उससे पहले नॉट लगा दिया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। द फ्लावर्स हैड नॉट विदर्ड इन सनशाइन, यहाँ भी हैड के बाद और विदर्ड से पहले हमने नॉट लगा दिया और सेंटेंस नेगेटिव बन गया। सो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैड के बाद और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हैड को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इन सारे एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि सबसे पहला वर्ड जो है हैड है, हैड फिक्के के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। हैड द डॉक्टर्स बायकॉटेड द हॉस्पिटल ड्यूटीज, तो सिंपल सेंटेंस होता तो द डॉक्टर्स हैड बायकॉटेड द हॉस्पिटल ड्यूटीज होता, और एंड पे फुल स्टॉप होता। यहाँ हर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क है, हमेशा डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट, हैड पॉवर्टी मेड मैन क्रिमिनल्स, पॉवर्टी गुर्बत, क्रिमिनल्स मुजरिम, तो यहाँ हैड है, उसके बाद पॉवर्टी नाउन है, सब्जेक्ट है, तो हैड पॉवर्टी मेड मैन क्रिमिनल्स, एंड पे क्वेश्चन मार्क, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ भी इस्तेमाल हो रही है, हैड फिक्रे के शुरू में है और थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद है। हैड द मैन किल्ड मैन इन वॉर्स, तो हैड है, उसके बाद द मैन सब्जेक्ट है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद मैन ऑब्जेक्ट है, और फिर कॉम्प्लीमेंट है, और बकिया चीजें, एंड पे क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद हैड द विमेन वर्क साइड बाय साइड विद मैन, तो यहाँ भी हैड शुरू में है, उसके बाद द विमेन सब्जेक्ट है, वर्कड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसके बाद रिमेनिंग चीजें हैं। हैड द स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, तो हैड हम शुरू में ले आए हैं, उसके बाद द स्टूडेंट्स है यानी सब्जेक्ट है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और एंड पे फिर वही क्वेश्चन मार्क है।
लास्ट में फाइनली हैड द पैंडमिक कम टू एन एंड। तो पैंडमिक मीन्स वबा, जैसे कि कोरोना है। तो हैड द पैंडमिक कम टू एन एंड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए एंड पे क्वेश्चन मार्क है। हैड हम शुरू में ले आए हैं, द पैंडमिक यहाँ सब्जेक्ट है और उसके बाद कम जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कम केम कम, और एंड पे क्वेश्चन मार्क है। तो इन सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न सिमिलर है, शुरू में हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ओके, थैंक यू।